हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो लोग बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बम्पर रिक्रूटमेंट आई है फ्रेंड्स, जिसमें अबाउट 8,904 वैकेंसीज हैं। इस पोस्ट का नाम है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स और ये क्लरिकल कैडर में आती है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, क्योंकि IBPS में जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं उन सभी रिक्रूटमेंट्स के बराबर SBI में अकेले ही वैकेंसीज आती हैं। सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। द एग्जामिनेशन विल नॉट बी वेरी मच डिफिकल्ट, सो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू गेट सेलेक्टेड दिस टाइम। ओके, सो डोंट मिस एनी चांस फ्रेंड्स, आपको इसमें अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हैं। एंड इस वीडियो में हम सभी पहलुओं पे डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कम्प्लीटली कि सेविंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किस तरह की रिक्रूटमेंट है ये वाली। ठीक है, ये क्लरिकल लेवल की जो रिक्रूटमेंट आती है SBI में, SBI क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट आती है उससे हल्का सा ये डिफरेंट है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस टाइप से ये डिफरेंट है रिक्रूटमेंट में, और इसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी, सो दैट यू कैन हैव लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस चैनल रिलेटेड टू योर फर्दर एग्जामिनेशंस। जो भी एग्जामिनेशन फ्रेंड्स फ्यूचर में आएंगी उन सभी की लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको देर एंड देर एक नोटिफिकेशन सेंड हो जाए, जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो सभी आपको क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम एज क्या है, मिनिमम एज क्या है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे आप, और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलेबस क्या है इनमें, इसके बाद सम डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, कुछ और भी डिटेल्स होंगी इस पोस्ट के बारे में, वो भी हम एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की तरफ और क्या कहता है ऑफिशियल नोटिस ये हम आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, और इसको थॉरली आप देखिए। एडवर्टीजमेंट नंबर CRRD/CR/2019-20/03, दिस इज़ दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फी। देखिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन की डेट है और पेमेंट ऑफ फी की डेट है वो 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 3 मई तक ये चलेगी। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ June 2019। आपका जो प्रिलिम्स का एग्जाम होगा वो June 2019 में हो सकता है, टेंटेटिव है ये। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिव है 10 अगस्त 2019 को, मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, एक दो महीने का समय है June 2019 में, और उसके बाद 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा मेन एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें फ्रेंड्स इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इसमें एक लैंग्वेज टेस्ट है, वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर। ये SBI क्लर्क नहीं है, बल्कि इसका नाम है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इस पोस्ट का नाम है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और यहाँ पे आपको किसी एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो जिन स्टेट में रिक्रूटमेंट्स आई हैं यानी वैकेंसीज हैं, उनमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जो उस स्टेट में बोली जाती है, तो किसी एक स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो जिस स्टेट के लैंग्वेज में आप प्रोफिशियंट हो। ठीक है, और इस रिक्रूटमेंट में यहाँ क्लियरली मैंशनड है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट्स टू बी रिक्रूटेड। इस रिक्रूटमेंट से जिनका भी सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, बिकॉज दिस इज अ लैंग्वेज बेस्ड जॉब। ओके, आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स दिए हुए हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद सर्कल का दिया हुआ है। अलग अलग स्टेट्स को सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। स्टेट ये सर्कल का नेम है सेंटर, ये स्टेट का नाम है गुजरात, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार निकोबार आइलैंड, सिक्किम। ये अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये तीनों बंगाल सर्कल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का एक सर्कल है, सर्कल ऑफिस है, और इनके लैंग्वेजेस भी दिए हुए हैं। अगर आपको अहमदाबाद से अप्लाई करना है, अहमदाबाद सर्कल में आप अप्लाई करोगे, तो आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस होना चाहिए दैट विल बी, इसमें आप अगर गुजरात से करोगे तो गुजरात गुजराती आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली से करोगे तो आपको गुजराती लेना पड़ेगा। दमन एंड दीव से गुजराती आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु या फिर उर्दू में से कोई एक, कर्नाटका में कन्नड़, एमपी में हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी। एंड हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज, लाइक अहमदाबाद में आप गुजरात में देख लो, 164 जनरल की वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 41 है, SC 28 एंड ST 67, OBC 110 और टोटल 410 पोस्टें हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि वैकेंसीज बहुत ही अच्छी हैं, हर एक स्टेट में अच्छी वैकेंसीज आई हैं, बंगाल में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ सर्कल में, चेन्नई, दिल्ली सर्कल में। दिल्ली सर्कल में आप देखोगे दो स्टेट्स हैं, दिल्ली और उत्तराखंड। यहाँ पे जो लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदी, यानी हिंदी लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना होगा, और पोस्ट भी बहुत ही अच्छी है। दिल्ली में 437 पोस्ट है और उत्तराखंड में 184 टोटल पोस्ट है। सो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ ऑब्लिक दिल्ली सर्कल है जिसमें हरियाणा आपका आएगा। इसके बाद हैदराबाद सर्कल है, जयपुर सर्कल है, ठीक है, केरला सर्कल है, लखनऊ ऑब्लिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसमें बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट में लगभग 1197 1197 पोस्ट हैं फ्रेंड्स। आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस हो सकता है यूपी के लिए दैट विल बी हिंदी और उर्दू, ठीक है। मुंबई में आपके पास मराठी होना चाहिए, गोवा से करोगे तो कोंकण कोंकणी, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो भी स्टेट्स आते हैं वो सब नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल से होंगे, और इनका अलग अलग लैंग्वेज प्रेफरेंस है फ्रेंड्स। सो यू कैन सी द डिटेल्स ओवर हियर। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन का PDF फॉर्म चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुद ही देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी देर आर ह्यूज वैकेंसीज हियर, अबाउट 8,904 वैकेंसीज में टोटल हैं। आगे बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ। इसमें रिजर्वेशन एज पर नॉर्म्स हैं, जो भी रिजर्वेशन चली आती हैं वो सभी इसमें रहेंगी। OBC के लिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो नॉन क्रीमी लेयर्स हैं केवल उनको बेनिफिट मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं फ्रेंड्स, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 अगस्त 2019, इसमें कह रहे हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इक्वेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकग्नाइज हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री IDD सर्टिफिकेट शुड इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD इज ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2019। यानी आपका जो भी डिग्री कोर्स है, चाहे चाहे इंटीग्रेटेड डिग्री का कोर्स हो, चाहे फिर आपका बैचलर डिग्री का कोर्स हो, ग्रेजुएशन हो, सिंपल, सभी का जो है आपका जो लास्ट डेट है दैट इज 31 अगस्त 2019, ठीक है। 31 अगस्त 2019 के पहले पहले आपका ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स कोई फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर फाइनल सेमेस्टर में है, वो एग्जाम दे रहा है, तो वो भी अपियर हो सकता है इस एग्जामिनेशन में, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 31 अगस्त 2019 से पहले आ जाना चाहिए, ये डेडलाइन दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 20 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/4/1991 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/4 यहाँ पे आप देख सकते हो, 1/4/1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी आप 1/4/1999 के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए,
या फिर 2/4/1991 के बाद का होना चाहिए। तो मिनिमम एज जो रखी गई है 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हो SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है, OBC को 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है, PWD अगर कोई कैंडिडेट्स है उसको जो है EWS जनरल और EWS दोनों कैटेगरीज में PWD को 10 साल, PWD SC/ST है तो 15 साल और PWD OBC है तो 13 साल की छूट उसको एज में मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अदर कैटेगरीज आती हैं जिसमें कि पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन जम्मू कश्मीर इनको 5 साल का छूट मिलता है, एक सर्विस मैंस जो होते हैं उनको एज पर नॉर्म्स, और विडोज डिवोर्स्ड वीमेन को भी एज पर नॉर्म्स मिलते हैं 7 ईयर्स के। इसके बाद फ्रेंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आइए हम देख लेते हैं इस रिक्रूटमेंट में क्या दिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑनलाइन टेस्ट। इसमें एक ऑनलाइन टेस्ट होगा फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रीलिम्स भी ऑनलाइन होगा और मेन एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होगा, एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लैंग्वेज। और हर स्टेट का एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे यूपी का हिंदी है, दिल्ली का हिंदी है, यूपी में हिंदी या उर्दू है, तो वो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सबसे पहले होगा, उसके बाद मेन्स एग्जाम होगा, उसके बाद लैंग्वेज ऑप्टेड होगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो भी स्टेट से अप्लाई किया है, लाइक अगर आप यूपी से अप्लाई किए हैं और आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिंदी या फिर उर्दू ले रखा है, यानी हिंदी और उर्दू की पढ़ाई आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कर रखी है, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यूपी से अप्लाई किया है और आपने हिंदी या फिर उर्दू में से कोई भी सब्जेक्ट 10th और 12th में नहीं पढ़ाई की है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। यानी आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उसके लोकल लैंग्वेज को आपने 10th या 12th में स्टडी किया है, तो आपका लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उस स्टेट के लैंग्वेज को स्टडी नहीं किया है 10th और 12th में, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और लैंग्वेज टेस्ट कब होगा? मेंस एग्जाम के बाद और ज्वाइनिंग के पहले। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इस एग्जामिनेशन में 100 नंबर्स का हो, ये 100 नंबर्स का क्वेश्चन मतलब पेपर होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का टेस्ट होगा। और इसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, और 20 मिनट का ड्यूरेशन होगा इसको सॉल्व करने का। यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स का और 20 मिनट्स का। इसी तरीके से रीजनिंग एबिलिटी का 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स हैं और 20 मिनट्स हैं। मीन्स हर एक सब्जेक्ट का टाइम सेपरेट सेपरेट है। और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबव। देर विल बी अ निगेटिव मार्किंग ऑल्सो, 1/4 की माइनस मार्किंग है इसमें, 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आप कोई रॉन्ग आंसर टिक करते हो तो। इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। ठीक है, और एग्रीगेट का भी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा। जब कट ऑफ डिसाइड होगी तो फ्रेंड्स वो खुद ही बैंक डिसाइड करेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कट ऑफ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या कट ऑफ है और रीजनिंग एबिलिटी में क्या कट ऑफ है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक आफ्टर योर एग्जामिनेशन, बट बिफोर द एग्जामिनेशन देर इज नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे मेन्स एग्जामिनेशन के लिए। तो आप देख सकते हो कि मेन्स एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर आपका क्वालिफाई हो गया और आप उन 10 गुना लोगों में से मिले जो कि क्वालिफाई किए मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको ये सेकंड टेस्ट देना पड़ेगा। और ये टेस्ट भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे अलग अलग। पहला सब्जेक्ट होगा जनरल फिनेंशियल अवेयरनेस, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 35 मिनट्स। इसके बाद जनरल इंग्लिश होगी, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। इसका टाइम ड्यूरेशन है 35 मिनट्स।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का होगा, इसके भी टाइम ड्यूरेशन है 45 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी 50 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा ये। ये देखिए 60 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स का है, ठीक है। और ये 45 मिनट्स का है, मीन्स रीजनिंग का जो पार्ट है दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट इज़ हैविंग 60 मार्क्स आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। बाकी सब में तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उतने ही मार्क्स यानी एक एक नंबर के हैं, लेकिन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या है कि एक नंबर से अधिक नंबर के क्वेश्चंस हैं इनमें, यानी एक क्वेश्चन का नंबर एक नंबर से ज़्यादा है, ठीक है। और इसके लिए 45 मिनट्स रहेगा, तो टोटल जो टाइम रहेगा आपका ड्यूरेशन दैट विल बी 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। और ये बहुत ही एनफ टाइम है टू सॉल्व 190 क्वेश्चंस, 190 क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही एनफ टाइम है आपके लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है यू कैन ईजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद गुड नंबर ऑफ एक्यूरेसी, ओके। सो फ्रेंड्स, ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग, जैसा कि आपको बताया गया ऑलरेडी। द क्वेश्चंस इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, ये बाइलिंगुअल टाइप के होंगे। जनरल इंग्लिश आपको पता है वो तो इंग्लिश में ही होगा, बाकी के जीएस जो जीए है, फिनेंशियल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, ये सारे जो है बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसमें एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा एग्रीगेट आपको पाना पड़ेगा, टोटल 200 नंबर में से एक फिक्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा जो कि आपको क्वालिफाई करने के लिए पाना ही पड़ेगा। और वो जो है मार्क्स एससी एसटी ओबीसी के लिए 5% का रिलैक्सेशन होगा उस मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स में से, ठीक है। सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन द एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, और ये बैंक डिसाइड करेगी बाद में, ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग हो, जैसे कि जीए में 50 में से 17 लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एग्रीगेट जो टोटल नंबर आएगा यानी 200 में से एक मिनिमम परसेंटेज होगा वो पाना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में नहीं पाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, जिस स्टेट में आप अप्लाई करोगे उस स्टेट वाइज और जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन द टेस्ट मेन एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड कैटेगरीज, ओके। फिर नोट करके दिए हुए हैं कि अदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन इन द एक्वेंट योर सेल्फ बुकलेट विच विल बी मेड अवेलेबल टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द कॉल लेटर फॉर द टेस्ट। जब आपका टेस्ट के लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा तो उसके साथ एक बुकलेट आपको मिलेगी जिसका नाम है एक्वेंट योर सेल्फ। उस बुकलेट में आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ओके। टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड दोनों में से किसी एक स्टैंडर्ड में अगर आपने लोकल लैंग्वेज लोकल स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसको आपने पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। इन केस ऑफ अदर्स, यानी अगर आपने ऐसा नहीं किया है यानी 10th और 12th में आपने लोकल लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई कैंडिडेट लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो ही विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द ज्वाइनिंग, भले ही वो सिलेक्शन पा गया लेकिन ज्वाइनिंग उसको नहीं मिलेगी अगर वो लैंग्वेज टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता है। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि फाइनल सिलेक्शन विल बी द सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। आपका फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आपका एलिजिबिलिटी मैच करेगा, जो भी क्राइटेरिया है बैंक का वो आप फुलफिल करोगे और लैंग्वेज टेस्ट जो आपने ऑप्ट किया है उसको आप फुलफिल करोगे, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट बैंक की वेबसाइट पर आएगा। इसमें जो बहुत अच्छी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा था, दैट इज़ द वेटिंग लिस्ट। इसमें वेटिंग लिस्ट होगी फ्रेंड्स, अ वेट लिस्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ वैकेंसीज, जैसे कि 8,904 वैकेंसीज हैं तो अबाउट 4,500 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में भी निकाले जाएंगे, मतलब वेटिंग लिस्ट निकलेगी 4,500 कैंडिडेट्स का और वो
कैसे फील होगा, जैसे किसी ने ज्वाइन करने के तुरंत बाद रिजाइन कर दिया, उसको जॉब नहीं चाहिए, या फिर किसी वजह से किसी ने रिजाइन किया, या फिर किसी वजह से किसी ने सिलेक्शन तो ले लिया लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो जो पोस्ट वैकेंट हो जाएंगी उन सीट्स पे फ्रेंड्स जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनको उनके मेरिट वाइज, उनके मार्क्स वाइज उनको सिलेक्शन उसमें दिया जाएगा, ठीक है। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019 टेंटेटिवली। आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जून में होगा, ठीक है। किसी भी सेंटर को, जो भी आपको सेंटर अलॉट होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। देखो, सेंटर तो आप चूज़ करोगे, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आप सेंटर चूज़ करोगे, लेकिन सेंटर चेंज करने का राइट जो है दैट विल बी ऑफ टू SBI। इसमें पे स्केल देखते हैं, या आप पे स्केल यहाँ पे देख सकते हो, क्लरिकल कैडर का ही पे स्केल है। इसका बेसिक पे होगा फ्रेंड्स 13,075 रुपया बेसिक है इसमें, और जो टोटल इमोल्यूमेंट्स, लाइक अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो, ठीक है, लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे स्टेट्स में टोटल जो आपके पास बनता है, दैट इज़ मतलब जो टोटल आपकी सैलरी बनेगी, दैट विल बी अबाउट 25,000 रुपीज़, ठीक है, 25,000 रुपये। एंड इसमें दो एडिशनल इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे, न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एस एसोसिएट्स, ठीक है, ग्रेजुएशन का इसमें बेनिफिट मिलता है, दो इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। अलाउंस में भी मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, लाइक अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो आपका अलाउंसेस अच्छा होता है, अगर आप विलेज एरिया में हो, रूरल एरिया में हो, तो जो अलाउंसेस होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर रिइम्बर्समेंट ऑफ वेरियस परक्विजिट्स, जैसे कुछ और बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए आपको रिइम्बर्समेंट मिलेगा, जैसे चाइल्ड एजुकेशन केयर वगैरह होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड आपको होगा, पेंशन मिलेगी NPS के तहत जो सबको मिलता है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटी आपको मिलेगी, लीव एंड लीव फेयर LTC वगैरह मिलेगा, ठीक है, की फैसिलिटी, और जो भी बैंक में जो भी फैसिलिटी होती हैं, जो भी बैंक एम्प्लॉयज़ को जो भी सुविधाएं मिलती हैं, वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ डोंट मिस दिस चांस। प्रोबेशन पीरियड इसमें फ्रेंड्स 6 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का प्रोबेशन होगा, और ये प्रोबेशन बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी जो लगेगी फ्रेंड्स SC ST PWD और XS की है 125 रुपया, इंटीमेशन चार्जेस ओनली, और जनरल OBC और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकी फ़ी है 750 रुपये, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है SC ST और XS कैंडिडेट्स की, तो जिनको भी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना है इन कैंडिडेट्स को, उनको अलग से एडमिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे उस पर्पस के लिए, और वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कर सकेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप इसको नोटिफिकेशन को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड करिएगा, और सिंपली आप इसको यहाँ से पूरा पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है, इस साइट में आप जाओगे तो वहाँ पे होगा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स 2019, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन मोड से सबमिट करेंगे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पे आप रिंग कर सकते हैं बिटवीन 11 AM टू 6 PM, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले जो प्री रिक्विजिट्स होती हैं, वो कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपके पास एक ईमेल आईडी जरूर होनी चाहिए, और ताकि आपका कॉल लेटर का या फिर कोई भी एडवाइस होती है वो बैंक आपको उसी के माध्यम से शेयर करता है, या फिर मोबाइल पे मैसेज भेजता है, या फिर आपको मेल करता है, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आपको फ़ी पेमेंट करना होता है। इसके बाद कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन आप देख सकते हो, प्रिलिमिनरी का यहाँ पे जाएगा, कॉल लेटर के साथ ही एक्वेंट योर सेल्फ बुकलेट भी जाएगी। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन का फ्रेंड्स जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होने का टाइम दिया है दैट इज़ 4th वीक ऑफ जुलाई, जुलाई के चौथे यानी जुलाई के लास्ट तक जो है चला जाएगा कॉल लेटर, और एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो जून के पहले सप्ताह में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको एग्जामिनेशन टाइप पे एग्जामिनेशन के दौरान आपको एक
आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, जिसमें आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी चल जाएगा। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स, ये लिस्ट दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर्स का। आप देख सकते हैं कि अगर आप अंडमान निकोबार से अप्लाई किए तो आपका जो सेंटर जाएगा दैट विल बी पोर्ट ब्लेयर। आंध्र प्रदेश स्टेट से अप्लाई करोगे तो ये सारे सेंटर्स आपके दिए गए हैं। इसी तरीके से बिहार के लिए ये सारे सेंटर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप दिल्ली का देख सकते हैं, दिल्ली में दिल्ली और न्यू दिल्ली दो सेंटर्स दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से अप्लाई करोगे आप तो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, बांदा, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर एंड वाराणसी। और अगर आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, ये सारे सेंटर्स आपको दिए गए हैं। तो ये स्टेट्स हैं और ये उनके डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं जो आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। और जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी शो करेगा, सो आप वहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी इस रिक्रूटमेंट की बातें, कि किस तरीके की जॉब है और कितना आपको इमोल्यूमेंट्स मिलेगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के बाद। ठीक है, तो आप जरूर इसमें ट्राई करिए जो भी है, लेकिन आपको ट्राई करते रहना चाहिए, क्या पता इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। सो डोंट मिस द चांस। आने वाले वीडियोस में हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें। सो बी इन कॉन्टैक्ट विद द चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी।